नमस्कार, स्वागत है आपका एन एन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। एक ओर जहां थाना प्रभारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर अफीम खेती व तस्करी को रोकथाम के लिए अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अफीम तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं तस्कर। चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अफीम के खेप व नकदी के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में मोहम्मद आजाद व मोहम्मद नसीम शामिल है, जो शहर के अव्वल मोहल्ला थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध सदर थाने में NDPS एक्ट दर्ज कर अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी चतरा SDPO अविनाश कुमार ने सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 किलो 700 ग्राम अफीम, हुंडई i20 कार, 4,37,220 रुपए नगद, 2 मोबाइल, 4 ATM कार्ड व आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने चतरा हजारीबाग मुख्य पथ पर स्थित कुल्लू मोड़ से इन्हें गिरफ्तार किया है। तो उनके पास से पैसे बरामद हुए हैं और गाड़ी से भी कुछ आपत्तिजनक चीज़ बरामद हुए। उसमें 2 किलो 700 ग्राम अफीम, जिसे पट्टा बोलते हैं, वह बरामद हुआ है तथा कुल पैसे जो बरामद हुए हैं 4,37,220 रुपये हैं। इसके साथ 2 मोबाइल, 4 ATM कार्ड भी हम लोगों ने जब्त किया। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो दोनों चतरा अव्वल मोहल्ला के रहने वाले हैं, एक मोहम्मद नसीम है, एक मोहम्मद आजाद है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी 421 इसका नंबर है। ये खूंटी से, जैसा बता रहे हैं कि खूंटी से लेकर के आए थे और इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में बेचने की तैयारी में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।